नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आकाश टेक्निकल में। दोस्तों आज बात करते हैं GST के बारे में। दोस्तों GST से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत ही संभावना है, इसलिए मैंने GST के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक संग्रह किया है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलते दोस्तों क्वेश्चनों पर चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि GST का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, GST है क्या है? GST का फुल फॉर्म रहेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर GST का फुल फॉर्म रहेगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा, GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, GST लागू करने वाला देश का कौन विश्व का कौन सा देश है जिसने GST सर्वप्रथम लागू की? दोस्तों उसका आंसर रहेगा फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने सबसे पहले GST लागू की थी 1954 में। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, आप भारत देश की GST जो है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? दोस्तों इसका आंसर रहेगा कनाडा। जी हाँ दोस्तों, भारत की GST कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जैसे ही कनाडा में GST लागू है, वैसे ही अपने भारत देश पर लागू है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन रहेगा, GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे पारित रहेगा। दोस्तों इसका आंसर रहेगा असम। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम असम की विधानसभा ने ही GST बिल पारित किया था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST कब लागू किया गया? दोस्तों यह तो सबको ही मालूम होगा कि 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ है। छठवां क्वेश्चन है, भारत में GST लागू करने का सुझाव किसने दिया था? ये दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने दिया था और कब दिया था? दोस्तों GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। विजय केलकर समिति के अध्यक्ष थे और विजय केलकर उस समय भारत के 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अध्यक्ष थे उसके असीम दास गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, असीम दास गुप्ता थे जिसने GST बिल का प्रारूप तैयार किया और उसके अध्यक्ष बने। दोस्तों आठवां क्वेश्चन आपका रहेगा, संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत GST बिल पारित परिषद का गठन किया गया? जी हाँ दोस्तों, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया? दोस्तों संविधान का अनुच्छेद नंबर 279A के तहत संविधान में GST परिषद का गठन किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत GST पारित किया गया? जी हाँ दोस्तों, संविधान का कौन सा संशोधन रहेगा जिससे GST पारित हुआ है? दोस्तों उसका आंसर रहेगा 122वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें GST बिल का वर्णन किया गया है और पारित भी किया गया। दोस्तों दसवां क्वेश्चन आपका रहेगा, GST बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में क्रमशः कब पारित किए गए? जहाँ दोस्तों राज्यसभा में सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ है 3 अगस्त 2016 को, और फिर उसके बाद हुआ है लोकसभा में, लोकसभा में हुआ है 8 अगस्त 2016 को। जी हाँ दोस्तों, 2016 को लोकसभा में और 3 अगस्त 2016 को हुआ है राज्यसभा में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रपति ने कब अपनी मंजूरी दी।
दोस्तों राष्ट्रपति और कौन सी राष्ट्रपति ने जीएसटी पर मंजूरी दी थी? दोस्तों इसका आंसर रहेगा 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बिल की मंजूरी दी कि आप इसको देश पे लागू कर सकते हैं। दोस्तों 12वां क्वेश्चन आपका रहेगा, जीएसटी की चोरी करने वालों को कितने वर्ष का कारावास है या क्या प्रावधान है? दोस्तों जीएसटी की चोरी करने वाले को 5 वर्ष का कारावास या फिर और जुर्माना भी अलग से है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीएसटी दरें कितने प्रकार की हैं? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ही याद करना पड़ेगा कि जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं। दोस्तों जीएसटी की दरें 5 प्रकार की हैं। एक तो 0%, दूसरी 5%, तीसरी 12%, चौथी 18% और लास्ट भी अधिक से अधिक 28% तक जीएसटी लागू है अपने इंडिया में। दोस्तों 14वां क्वेश्चन आएगा, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जी हाँ दोस्तों, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन बचा इस वीडियो का। जीएसटी को कितने भागों में विभाजित किया गया? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आप रहेगा कि जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में व्यक्त किया गया है। दोस्तों जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है सीजीएसटी, या दोस्तों सीजीएसटी, और दूसरे नंबर की है एसजीएसटी, और तीसरे नंबर की है आईजीएसटी। दोस्तों यह अलग अलग अपने अपने काम है और अलग अलग ही इसके नाम हैं। दोस्तों यह 3 प्रकार के और 3 भागों में डिवाइड है जीएसटी। दोस्तों आप यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। और दोस्तों अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक करें। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।